NDPS Act के अंदर डेथ पेनल्टी की भी सजा हो सकती है। जी हाँ, डेथ पेनल्टी। हमारे इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कई केसेस हुए जिसमें लोगों को डेथ पेनल्टी की सजा भी दी गई है, जैसे कि आप लोगों ने तो सुना ही होगा, रिसेंटली मुंबई में नारकोटिक्स ब्यूरो ने एक मुंबई के क्रूज शिप में रेड डाली थी। उसमें कुछ लोगों का नाम इन्वॉल्व हुआ था ड्रग्स अब्यूज करते हुए। तो आज का हमारा टॉपिक है एनडीपीएस के रिलेटेड, जो एनडीपीएस, जो नारकोटिक्स ब्यूरो जिस एक्ट के हिसाब से काम करती है, एनडीपीएस एक्ट 1985, नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। तो इस एक्ट में क्या लॉ और क्या पनिशमेंट दिया गया है, आज इसमें हम थोड़ा हमारे कंट्री में ड्रग्स जैसे कि चरस, गांजा और भी जो ड्रग्स है वो मेडिसिनल एंड साइंटिफिक पर्पज पे किया जाता है। एनडीपीएस एक्ट भी यही कहता है कि अगर कोई ड्रग साइंटिफिक पर्पज के लिए या मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किए जा रहे हैं और वो गवर्नमेंट के थ्रू रेगुलेट हो रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप इसे खुद पर्सनली इलिसिट करते हो, लाइक पर्सनली उसको आप वो ड्रग्स को यूज कर रहे हो, तो आपको एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक पनिश किया जाएगा। आपको एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक आपको सजा मिलेगी। एनडीपीएस एक्ट में अगर आपको प्रोसिक्यूशन होना है तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपके पास कौन सा ड्रग्स है एंड आपके पास कितने क्वांटिटी में वो ड्रग्स है, उस हिसाब से आपको पनिशमेंट दी जाएगी। एनडीपीएस एक्ट में एक स्केड्यूल बना गया है जिसमें डिफाइन करता है तीन कैटेगरीज। पहला कैटेगरी है स्मॉल क्वांटिटी, सेकेंड कैटेगरी है लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी एंड थर्ड कैटेगरी है कमर्शियल क्वांटिटी, जो कि ज्यादा हो। मान लीजिए आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स पाया गया है तो एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक आपको 1 साल की सजा और 10,000 का पेनल्टी हो सकता है। स्मॉल क्वांटिटी से ज्यादा लेस देन कमर्शियल क्वांटिटी में अगर आपके पास ड्रग्स पाया गया है तो उसका कम से कम 10 साल की सजा आपको होगी एंड मोर देन 2 लाख तक पेनल्टी इंक्लूडिंग सब होगा। एंड उससे ज्यादा अगर कमर्शियल क्वांटिटी में आपके पास अगर ड्रग्स पाया जाता है तो एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक आपको 20 साल तक की सजा हो सकती है और उसमें 2 लाख से ज्यादा या 2 लाख के अंदर तक का। सेक्शन 23 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट ये बताता है कि कोई भी अगर पर्सन जो पर्सन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ड्रग्स को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है या एक स्टेट से दूसरे स्टेट को वो ड्रग्स लेके जाता है, तो हमारे एनडीपीएस एक्ट में ये ऐसा बताया गया है कि उस पर्सन को, उस एक्यूज को मिनिमम 20 साल की सजा होगी और मोर देन 2 लाख के अंडर में। बात करेंगे एनडीपीएस एक्ट के बेल प्रोविजंस में। एनडीपीएस एक्ट के जो बेल प्रोविजंस है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, उसमें इतनी आसानी से बेल नहीं दिया जाता था। जो एक नॉर्मल प्रोविजंस है बेल लेने का जो प्रिंसिपल है एंड जो एनडीपीएस एक्ट के जो प्रिंसिपल है, जो प्रोविजंस है, वो टोटली डिफरेंट है। तो इसमें जो एनडीपीएस एक्ट में जो बेल प्रोविजंस जो दिया गया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है कोई एक एक्यूज पर्सन को बेल लेना। 37 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट में ये कहा गया है कि जो भी ऑफेंस इस एक्ट के अंदर में होगा वो एक कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा। यानी कि कॉग्निजेबल यानी कि एक पुलिस ऑफिसर डायरेक्टली आपको अरेस्ट कर सकता है, उसको किसी बेल की जरूरत नहीं है मैजिस्ट्रेट से, वो डायरेक्टली आपको एनडीपीएस एक्ट के अंदर अरेस्ट कर सकता है। और दूसरी तरफ नॉन बेलेबल यानी कि वो पुलिस ऑफिसर आपको अरेस्ट तो किया है बट आपको बेल के लिए वो डायरेक्टली बेल ग्रांट नहीं कर सकता है। बेल के लिए आपको मैजिस्ट्रेट के सामने अपियर होना पड़ेगा इस एनडीपीएस एक्ट के मुताबिक।